ये हम लखनऊ का जो है ताड़ीखाना में मछली बाजार है वहाँ पर आए हुए हैं, और ये सिंगी मछली है। काफ़ी स्वादिष्ट होती है खाने में, और आपको एक बात बता दें, इनमें दो कांटा होता है, अगर वो कांटा आपके उंगली में लग जाता है तो आप समझ लीजिए आप रो देंगे, इतना आपको बुखार भी आ जाएगा। और ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, क्योंकि इसका कांटा मुझे मेरे उंगली में लग चुका है, मुझे बुखार आ गया था। इसको चला दीजिए। वाओ, ये है देसी सिंगी। और हम 2 किलो तौलाने जा रहे हैं 400 रुपये के हिसाब से, काफ़ी महंगी हैं, 400 रुपये केजी है। मरा हुआ निकाल दीजिएगा, क्योंकि इसमें मरी हुई है। और ये मछली काटने की तैयारी है। ये है स्नैक हेड फिश। स्नैक हेड इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो मुंह होता है वो स्नैक की तरह होता है। ये भी देसी मछली है, खाने में काफी स्वादिष्ट होती है। कितने रुपए किलो है ये? 200 रुपए किलो। काफी गर्म होती है और काफी स्वादिष्ट होता है। वाओ, अरे भैया, कौन सी मछली है ये? बैकरी। कितने रुपए किलो है? 150 रुपए किलो। काफ़ी फैट होता है इसमें? बिना फैट वाला है ये। अच्छा, ये बैकरी मछली हमने आधा किलो तौला लिया है, उसका पेट है, काफ़ी फैट होता है उसमें, और ये अभी हम फ्राई कराएंगे इसको। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिए, पूरा देखिए। भैया फ्राई कराने वाले।
माई नेम इज विजय कुमार, हमारे दुकान में स्वच्छता का प्रतीक है, ठीक है ना? भैया फ्राई करने जा रहे हैं, अगर आप भी इस तरह का फ्राई खाना चाहते हैं तो भैया के पास आ सकते हैं, करण फिश फ्राई सेंटर आगे बने लगा भाई वहाँ खाना खेलना है रेस्टोरेंट का लेके। तो आप कितने रुपए लेते हैं फ्राई का? एक किलो मछली का 100 रुपए, मुर्गा 120 रुपए किलो है भाई। अच्छा आ, तो ये हाफ केजी है कितना लेंगे? हाफ केजी का 50 रुपीज। अच्छा आ, ये कब से आप बना वीडियो बनाइए भाई इसका? हम आज हमारा 7 साल हो गया यहाँ पे लगाते हुए ठेला। अच्छा काफी अच्छा फ्राई करते हैं, अभी आपको दिखाएंगे फ्राई करते हुए। अच्छा फ्राई करते हैं भाई, बढ़िया बनाइए एकदम। मसाले डालेंगे उसके बाद फ्राई करेंगे। अच्छा ये अभी आपने क्या नमक डाला था? अभी धुलाई कर रहे हैं, नमक डाल के धुलाई कर रहे हैं, इससे क्या होता है मछली की जो गंदगी होती है भाई वो सब साफ हो जाती है, ठीक है ना? नमक डाल के अब ये मछली आपकी फ्रेश धुल गई है, ठीक है ना? अब इस मछली में कोई गंदगी नहीं है भाई, ठीक है ना? और भाई और बढ़िया भाई बनाने जा रहे हैं आपके सामने, ठीक है ना? अब इसमें डालेंगे मसाले। ए भाई जरा आप दुकान है बंद यार, ठीक है ना? ये क्या डाला, क्या क्या बताते रहिए? ये चावल का आटा, चावल का आटा है ये, ये मिर्चा है, मिर्चा, ये नमक है भाई, ठीक, ये गरम मसाला है और ये फ्रेश मसाला है, ठीक है ना? इसको डालने से टेस्टी बनता है। अच्छा ठीक है ना, ये चटनी है इसमें अदरक लहसुन धनिया मिर्च टमाटर सब पड़ा हुआ है। अच्छा ये भी मिलाएंगे? हाँ ये भी मिलाएंगे तभी इसमें स्वाद आएगा, ठीक है ना भाई? इसमें पानी डालते हैं भाई, अब इसको हम बना के आप खिलाएंगे, आपको अच्छा लगेगा। अब हम डाल रहे हैं इसको तेल में, अब फ्राई करने जा रहे हैं भाई। विजय फिश फ्राई कॉर्नर डाल दीजिए नेट पे, फिश फ्राई हो रहे भाई। काफी टेस्टी दिख रहा है ये, काफी टेस्टी है, देखिए अभी खाने में पता चलेगा कि कैसा है, लेकिन दिखने में तो काफी अच्छा दिख रहा है, खाने में अच्छा लगेगा। ये फिर फ्राई हो गई है, अब इसमें मसाले डालेंगे ऊपर से, चाट मसाला वगैरह है भैया। ये मसाला डाला जा रहा है, ये क्या था? ये गरम मसाला, गरम मसाला, फिर से नमक, अभी इसमें चाट मसाला डाला जा रहा है, मसाला है, इसके बाद आपको सर्व करेंगे। मेरे फोटो आने चाहिए भी। ये मैंने मेरे फोटो डाली भैया जी, ये चटनी है भैया जी आपके लिए, ये मूली है, खाइए इसको, ठीक है ना? फ्राई हो गई है, भाई हमारे टेस्ट करने जा रहे हैं जी, गर्म है अभी काफ़ी ज़्यादा गर्म है। कैसा बना है? काफ़ी स्वादिष्ट है। अच्छा मुझे भी खाने का मन कर रहा है, बहुत कर अच्छा रहा है, मटर ने जैसा बताया बनाने वाले को। ये मैं चटनी, ये भाई हमारे बनाने वाले बगल में करे हैं इन्होंने बनाया है, हाँ हमने बनाया है, हिसाब कर दीजिए आप, एक आइए। वाह काफी स्वादिष्ट दिख रहा है जी, हिसाब कर दीजिए आप, एक आ लीजिए।